हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी, एकदम नए अंदाज में, थोड़ा अलग तरीके से बना के बताऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म किया है, इसमें डाल देंगे पानी। ये मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी ये दो छोटे छोटे प्याज है जिसे मैंने बस दो टुकड़ों में कट कर लिया है। टमाटर है, इसे बीच से इस तरीके से कट का निशान लगाया है। दो टमाटर मैं ले रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगाना है। साथ में लेंगे दो हरी मिर्चें। कवर करके इसे 5 to 6 मिनट के लिए, जब बॉयल आ जाएगा स्लो फ्लेम पे हमें कुक करना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर भी कुक हो गए हैं, प्याज भी नरम हो गए हैं, मिर्ची भी नरम हो गई हैं। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे और इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, एकदम ठंडा हो जाने देंगे। और इन द सेम वाटर हम लोग सेम पानी में मटर बॉईल करेंगे। आप चाहें तो टमाटर प्याज के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मटर है फ्रोजन मटर नहीं है, इसे कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है और टमाटर प्याज को कुक करने में कम टाइम लगता है, इसलिए मैं अलग अलग बॉईल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप इकट्ठा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने मटर डाल दिया है। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इस मटर को भी 7 to 8 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, या फिर जब तक ये अच्छी तरह कुक ना हो जाए। तो ये जो हमारे मटर है अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। तो अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, मटर को अलग बर्तन में छान लेंगे। अभी इन द सेम कढ़ाई मैं डालूंगी 1 चम्मच तेल। अभी मैं पनीर फ्राई करने जा रही हूँ। पनीर फ्राई करना इज टोटली ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए तो कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तेल में मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1 पिंच सॉल्ट। इससे क्या होगा कि पनीर के ऊपर बहुत ही अच्छे से मसालों और नमक की कोटिंग हो जाएगी और हमारे पनीर फीके नहीं होंगे। इसमें डाल देंगे हमारे 200 ग्राम ऑफ पनीर कटे हुए। तो ये जो हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं पनीर पे हल्की सी कोटिंग आ गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए पनीर को एक बर्तन में पानी में डालकर निकालेंगे। इससे क्या होगा कि पनीर जो हमारे हार्ड नहीं होंगे, पानी जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी गर्म या ठंडा हो। अभी एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डाल देंगे ये हमारे सॉफ्ट किए हुए प्याज। आप प्याज को बॉईल ना करके तेल में फ्राई करके भी प्याज टमाटर हरी मिर्च को सॉफ्ट कर सकते हैं, बट ऐसा करने से बहुत ही कम तेल में ये मटर पनीर बनके तैयार हो जाता है। साथ में डाल दूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये जो हमारे टोमेटोज हैं इनका छिलका उतार कर डालेंगे। थोड़े से 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल देंगे। बिना पानी डाले इसका स्मूथ प्यूरी बनाएंगे। अगर आपकी प्यूरी स्मूथ नहीं होती है तो आप इसे छान भी सकते हैं, बट ये कुक की हुई छिलका उतार दिया, इसकी प्यूरी स्मूथ बनके तैयार हो जाती है। अभी मैंने सेम कढ़ाई गर्म किया था जिसमें हमने पनीर फ्राई किया, इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल। जैसे हमारा तेल गर्म होगा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। थोड़े बहुत पनीर जो रह गए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी ग्रेवी में आ जाएंगे। थोड़े से मैं खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और मैंने डाला है स्टार फूल के टुकड़े। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने। स्लो फ्लेम पे मैं कुछ मसाले डाल देती हूँ। मैं डालूंगी यहाँ पे 1 चम्मच भर के कश्मीरी चिली पाउडर, ये तीखा नहीं होता, इससे बस कलर आता है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं। बिल्कुल हल्का सा, 1 चम्मच से भी थोड़ा कम और 1/2 चम्मच से ज़्यादा मैंने डाला है बेसन। इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार होती है। मिक्स कर दिया मैंने।
दो तेजपात डाल दिए हैं मैंने, छोटे छोटे थे इसलिए मैंने दो डाला है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये हमारी रेडी की हुई टोमेटो अनियन की प्यूरी, और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें कुक करना है जब तक कि अच्छी तरह से मसालों से तेल रिलीज ना हो जाए। तो यहाँ पे मसालों को कुक करने के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट्स के लिए ढक देती हूँ। बीच में आप एक आध बार इसे चेक कर ले। आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो है धीरे धीरे कुक हो रहे हैं, लेकिन अभी ये और कुक होंगे तो ये थोड़ा देर के लिए 1-2 मिनट के लिए और इसे ढक देंगे। क्या आप देख पा रहे होंगे, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, कि साइड से थोड़ी थोड़ी ऑयल रिलीज होने शुरू हो गए हैं। इसे मिक्स कर देंगे और अब इसे बिना ढके थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अभी मसाले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये हमारे रोस्ट किए हुए कसूरी मेथी है, इसे भी डाल देंगे क्रश करके। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये हमारे उबले हुए मटर। ध्यान रखिए आपने मटर उबालते समय पानी में नमक डाला था, तो आप इस समय पे नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि आपको कितना नमक डालना है। मटर के साथ भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी मटर के साथ फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे ये हमारे पनीर। पनीर को पानी के साथ ही डालेंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें डालूंगी मैं बिल्कुल 1/4 कप दूध। दूध की जगह आप मलाई डाल सकते हैं, लेकिन अगर दूध डालेंगे तो पनीर की सब्जी का टेस्ट भी अच्छा रहेगा और पनीर की सब्जी बिल्कुल लाइट रहेगी, हेवी नहीं होगी। तो आप चाहे तो दूध डालें या फिर पानी डालें। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँ और इसे कवर करके हमें कुक करना है, जिससे कि पनीर और मटर में अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाए। 1/4 चम्मच नमक और डाल देंगे। हमने नमक ऑलरेडी डाला था इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अभी स्लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे 5-6 मिनट के लिए। कवर करके मैंने इसे कुक कर लिया है। सबसे लास्ट में डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता। मिक्स कर देंगे और ये हमारी मटर पनीर की गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनके तैयार है। एकदम नए तरीके से बनाया है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। एक बार इसे जरूर ट्राई करें। आप इसे रोटी पराठे या फिर सिंपल राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। थोड़े से धनिया पत्ते डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट मटर पनीर बिल्कुल तैयार है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।